विधायक मंजू शिवाच जी भी जुड़ चुकी हैं। मंजू जी, अब आप दोनों ने आवाज बुलंद की है, लेकिन लगता है कि उम्मीद मिल पाएगी? भाई डर बस गया है लोगों के मन में, जब पिता के सामने बेटी के साथ ऐसी हरकत होगी तो कौन अपने आप को सुरक्षित समझेगा? देखिए, मेरा जो कल मिलने का उद्देश्य था वो ये था कि जो जनता का ओपिनियन और यथास्थिति है उससे मैं अवगत कराऊं, क्योंकि मैं पिछले दिनों लखनऊ रही तो इसलिए यहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने निश्चित ही हम पुलिस कमिश्नर को अपने विधानसभा की जो स्थिति है उसके बारे में बताएंगे, जनता का ओपिनियन बताएंगे, पीड़ित पक्ष का भी ओपिनियन बताएंगे। और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मुझे विश्वास दिलाया कि जो बचे हुए पीड़ित जो एक्यूज्ड हैं उनको जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। जो भी उस दिन रोड रेज की घटना हुई जिसमें जो बच्ची थी उसके साथ भी गुत्थम गुत्था हाथापाई हुई, तो मेरा विषय यही था कि इस तरह अगर कोई रोड हेलो जी 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 बोलिए मंजू जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अब तो उसमें ये था कि अपने हाथ में कोई भी पक्ष जनता कानून ना ले कि किसी की गाड़ी को तोड़े या गाड़ी में महिला है या पुरुष है, मतलब पुलिस एक्टिव उसमें काम करे। कुछ उसमें दो जने उन्होंने उस दिन अपने उनसे शायद इंक्वायरी हुई थी और एक जना जेल भेज दिया है। दो जनों का अभी ये पता लगा है कि वो कुछ मेरठ की तरफ गए हैं, कुछ मेरे यहाँ जो क्राइम होता है उधर से लोग निकल के मेरठ की तरफ को शरण ले लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो उसमें जो दो एक्यूज हैं उनको पुलिस पकड़ने में लगी हुई, और मुझे उम्मीद है कि दो एक्यूज जो हैं रात तक या शाम तक, मतलब जल्दी से जल्दी ये पकड़ लिए जाएंगे। ठीक है, अब जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है, और लोकली भी मैंने अपने जो यहाँ पर हमारे सर्कल ऑफिसर हैं उनको भी बोला था, तो पूरा विश्वास है मुझे कि शाम तक मुझे उम्मीद है ले लेनी चाहिए। और रही बात लड़कियों की, तो देखिए पूरे प्रदेश में लड़कियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा हैं, संवेदनशील हैं, और जहाँ भी कोई घटना होती है वो स्वयं या उनके अधिकारी या उनके जनप्रतिनिधि संज्ञान लेते हैं। और अगर आप और जगह से कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में हमारे कानून व्यवस्था और खासतौर से महिलाओं के लिए जो एक संवेदनशीलता है सरकार के स्तर से भी काफी ज्यादा है, और हम जनप्रतिनिधि भी ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई किसी तरह की अभद्र घटना ना घटे। यूपी में बना रहे लड़कियों का, हाँ, यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन इन दिनों हाल ही में जो घटनाएं आई हैं उसने कहीं ना कहीं बहुत सवाल उठाए हैं। अब जैसा कि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, आपको लगता है मंजू जी कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए, मुझे अपने विधानसभा के बारे में मैं कहना चाहूंगी, कि जो रोड रेज से जुड़ी हुई घटना हुई कि अच्छा हम ट्रैफिक इतना बिजी रहता है किसी की गाड़ी भी किसी से टकरा सकती है, तो जो दबंगई दिखाई गई वो जनता को भी नहीं दिखानी चाहिए। तुरंत पुलिस को बोले उनका कोई पक्ष है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये एक आपसी जो झगड़ा है उसको लेके, और अगर गाड़ी में महिला है तो उससे भी अभद्रता करें, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और जो चार मेरे यहाँ के अक्यूज थे उनमें दो अभी पूरा विश्वास दिलाया उन्होंने कि शाम तक पकड़ लिए जाएंगे, शायद मेरठ की तरफ वो गए हैं, शरण ली है या कहीं छुपे हुए हैं जो कुछ भी है। और खासतौर से मैंने कहा कि भाई गंभीरता से इनको लिया जाए, और जिससे कि कानून व्यवस्था का जो, ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पीड़िता के साथ साथ उन तमाम लड़कियों को भी न्याय मिले जिनके साथ ऐसी बर्बरता हुई है, और ऐसी हरकत करने से पहले चाहे वो अधिकारी हो या बदमाश अब 100 बार सोचे। शुक्रिया मंजू जी आपका हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। नंद किशोर जी हमारे